स्नो फॉलिंग इतनी हौली 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 धीरे 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 था। होटल सब टोटली बुक, इतने बुक हो गए थे, लोग छतों पे चढ़ के कैप लगा के उन्होंने आग जला के उन्होंने एंजॉय देख के याद करके। पहले तो मैं 2 अंडे खा के ना बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान और मेरे साथ मोहम्मद आमिर। और आज हमारा पॉडकास्ट का सीरियल नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है और आज हम एक बहुत अच्छी स्टोरी आमिर भाई से सुनेंगे और ये हमें सुनाएंगे अच्छी एक ज़बरदस्त स्टोरी। और हमारी स्टोरी का जो मेन सीरियस ये है कि हमारे आमिर भाई माशाल्लाह पिछले दिनों में मरी गए थे और मरी बहुत अच्छी बर्फबारी भी थी, तो हम इनसे सुनेंगे कि मरी जाएं और किस तरह। पिछले दिनों नहीं, परसों गए थे, परसों पड़ी है इतनी जबरदस्त बारिश पड़ी है और बर्फ भी पड़ी है, स्नो फॉलिंग इतनी होली 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 धीरे धीरे। धीरे धीरे मेट्रो मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ वो क्या नाम है, मोटरवे पे इतनी ज्यादा स्लीपिंग वगैरह तो है। पर हम पहुंच गए थे वहाँ पे, हमने जैकेट शैकेट दो दो पहनी हुई थी और स्लीपिंग कर रही थी वो, गाड़ी वगैरह भी, हमें डर भी था। होटल सब टोटली बुक, इतने बुक हो गए थे, लोग छतों पे चढ़ के कैंप लगा के उन्होंने आग जला के उन्होंने एंजॉय किया हुआ था। हमें जगह नहीं मिली थी तो हमने एक ही रीज़न ढूंढा कि हम गाड़ियों में बैठ के उसी में खाना खाएँ, जो भी करना है हम करें। तो बहरहाल हमारा जो तस्वीरों का वीडियो का हमारे हाथ इतने जाम हो गए थे तो हम बना नहीं सकते थे। अभी भी मैं कांप रहा हूँ उस बर्फ को देख के याद करके। पहले तो मैं 2 अंडे खा के ना बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उसके बाद में जाके मैंने कहा ना और कुछ नहीं है रहा, और कुछ नहीं करूँगा। गाड़ी में जाके हीटर चला के जब मैं गाड़ी में पहुंचा तो गाड़ी में हीटर चलाया, पता लगा पेट्रोल ही काम है, मस्या पेट्रोल पंप तक जाएगी। पर मैंने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ मैं अलहमद सलामत आ गया। बहरहाल ठंड बहुत थी, आप जब भी मरी जाए किसी भी गाड़ी पे बाइक पे या अपनी सेफ्टी के लिए मोटी जैकेट शाल पजामे वगैरह टोपी वगैरह सही मजबास कर लें, और ख़ास तौर पे सर्दियों पे होटलों पे उम्मीद ना रखें, ठीक है। या कोई भी दोस्त संगी या कोई जानने वाला बोले भी, मैं आपको होटल बुक करा के दूंगा, आपको मैं ये वाली फैसिलिटी दूंगा, ये वाली आप आ जाएंगे, किसी के लारे बना रहे बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास क्या मतलब हमारे साथ हुआ है हम वो हमारे पास ही खड़ा था, उसने हमें दलील किया, हमने कहा था भाई कुछ भी नहीं, आप लेट कुछ भी नहीं बनना। पहले पहले हमें कहता है कि भाईजान ऐ तुसा माड़ी गल सुनो, तुसा इत्थे अच्छो मैं तुसें पूरा पूरा प्रोटोकॉल देसा, इन जैसा इन करसा, ठीक है, लकड़ियां छकड़ियां देसा, तुम माल पाया तो ये है तो वो, असें कि 2 महीने उस लारा लाई रखा, मैं क्या हाल ठीक है हाल आशने आसा, जिसलै असें उत्थे पहुंची जंदे बाद बस मी पता लगा ते ए ते ठंड मजा आया ए जंगता असें कि मारी छोड़िया बस हां फिर असें कि क्या कीता मारी क्या माँ प्यो नहीं दुआ सी के वापसी अच्छी रही। खैर हम उसके उसको भी क्या कहना है रहा, वो भी अब मजबूर था, कहीं काम करता था किसी होटल में, अच्छा, तो वो हमारा दोस्त बन गया था। बला अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय भी किया, एंजॉय जबरदस्त किया ये वो तो गाड़ी में। और जब भी इस लॉन्ग टूर पे आप जाएं साथ पैसे एक्स्ट्रा लेके जाएं, जो हाँ वो तो जहरी सी बात है, जो भी घूमने जाते हैं वो तो पैसे तो साथ होता ही होता है, जो कम से कम भी होता, लेकिन होता है हमारे से हमारे सा वो होता है ना, वो कहता है रुपया 100-150 रुपये चलो निकलो बाहर, ये फंस गया आज या गई नहीं, अल्लाह मालूम क्या अल्लाह मालूम, ये नहीं काम चल रहा ना, ये नहीं काम चल रहा, ये बड़ा रोला ही कृष्णा ना, फिर अगर कुछ ना तो जानने वाला भी मिली गया, उसकी भी चार बोतल बुलाओ तो 80 रुपया बची कृष्णा। मैंने तो सुना है की मरी में जो एक चाय है ना सर्दियों में वो तकरीबन 150-200 की है, क्या ऐसा है 240 की चाय है, बस आपकी इधर 50 रुपए की टेर मिलती है, वहाँ की 150 रुपए की, इतने 3-4 दाने देंगे आप, सिर्फ खाली उसको सूंघ के ना गुजारा कर सकते हैं। मेहरबानी करें मेरे भाइयों,
जब भी जाए अपना ध्यान रखें, पैसे एक्स्ट्रा लेके जाएं, अपना मजबूत करें, किसी के भरोसे पे ना जाएं, ना जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरियल में, नेक्स्ट स्टोरी में, और आमिर भाई के साथ देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी कौन सी बात अच्छी लगी, ताकि हम उस पर ज्यादा काम कर सके और आपके लिए एक अच्छी। मेरे मूंछों पे ना जाना, ये अभी इतनी मेरी उम्र नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेन फेर फेर के ना ऐसा अपनी मूंछें बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। मैं कहता हूँ आप ना पाकिस्तानी एक हीरो बन गए हैं। वैसे लोग मुझे कहते हैं आप शायद अफरीदी हैं, मैं कहा खुदा का वास्ते, उस बेचारे मेहनत की बंदा है, खाली शक्ल थोड़ी जी उन्नी भी ना फर्क है, मैं शायद अफरीदी बन सकता हूं। आजा बहरहाल शायद अफरीदी साहब को मैं आप सलाम भी पेश करता हूं, उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत 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 कुछ किया, मेहनत की है शायद अफरीदी साहब। अभी बहरहाल ये है कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरियल में। बाय बाय, के लिए अल्लाह हाफिज़।